रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व कार्यों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा, कलेक्टर सीधी मुजीबुर रहमान खान, कलेक्टर सिंगरौली राजीव रंजन मीणा, अपर कलेक्टर रीवा शैलेन सिंह तथा सभी राजस्व अधिकारी शामिल रहे। कमिश्नर ने कहा कि चुनाव का कार्य पूरा हो गया है, अब सभी राजस्व अधिकारी अपने मूल कार्य पर ध्यान दें। नामांतरण, बंटवारा तथा सीमांकन से संबंधित राजस्व प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति संतोषजनक नहीं है। कलेक्टर राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में प्रकरणों के निराकरण की विशेष समीक्षा करें। कमिश्नर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों में भी संभाग की स्थिति चिंताजनक है। विशेष प्रयास करके सीएम हेल्पलाइन के 50 दिन से 1000 दिन की अवधि के लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएं। मांगों से संबंधित आवेदनों को फोर्स क्लोज के लिए प्रस्तुत करें। प्रकरणों के निराकरण का लगातार प्रयास करेंगे, तभी जिले की ग्रेडिंग में सुधार होगा। कलेक्टर सहित सभी राजस्व अधिकारी अपनी टूर डायरी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। सप्ताह में कम से कम 2 दिवस क्षेत्र का भ्रमण करें। अधीनस्थ कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। किसान सम्मान निधि की KYC अपडेट करने के लिए समय सीमा 5 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। कलेक्टर विशेष प्रयास करके किसानों की KYC अपडेट कराएं, जिससे कोई भी किसान सम्मान निधि पाने से वंचित ना रहे। कमिश्नर ने कहा कि धारणा अधिकार अधिनियम तथा पात्र परिवारों को भू अधिकार पत्र देने के अभियान की भी कलेक्टर नियमित समीक्षा करें। लोक परिसंपत्ति पोर्टल में सभी शासकीय परिसंपत्तियों को दर्ज कराएं। नामांतरण, बंटवारा तथा सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण के लिए पटवारी वार लक्ष्य निर्धारित करें। कमिश्नर कार्यालय से राजस्व प्रकरणों के संबंध में भेजे गए पत्रों की जांच कर उनका प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। कमिश्नर ने राजस्व अधिकारियों को वर्षा की स्थिति, कृषि आदान तथा त्योहारों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में भी निर्देश दिए। कमिश्नर कार्यालय से संयुक्त आयुक्त निलेश परीख, उप संचालक सतीश निगम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।